ये बात उस समय की है जब अब्दुल बहा अक्का में एक कैदी के रूप में रहते थे। अब्दुल बहा के दोस्त पूरी दुनिया में थे जो बहावला पे विश्वास करते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। उनमें से कुछ तीर्थयात्रा करके अब्दुल बहा से मिलने आते थे। अब्दुल बहा की एक मित्र थी जिनका नाम था लुआ गेटसिंगर। वो अमेरिका की बहुत ही खूबसूरत कलाकारा थी। वो बहुत अमीर थी और बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी। एक दिन अब्दुल बहा बहुत व्यस्त थे। उन्होंने लुआ से उनकी मदद करने के लिए कहा और बताया कि वो हर दिन एक गरीब आदमी को मिलने जाते थे जो कि बहुत बीमार था, लेकिन आज वो बहुत व्यस्त होने के कारण नहीं जा सकते थे। अब्दुल बहा ने लुआ से पूछा कि अगर वो उनकी जगह उस व्यक्ति के पास खाना लेकर चली जाए। लुआ ने बहुत ही गर्व का अनुभव किया कि अब्दुल बहा ने अपना काम मुझे करने के लिए दिया है। लुआ ने उस आदमी के घर का पता लिया और साथ में खाना लेकर अक्का के रास्ते पे निकल पड़ी। अक्का के रास्ते बहुत ही गंदे थे जिसमें हर तरफ गंदगी और कचरा फैला था। लुआ सोच रही थी कि वो किस तरह की जगह पर पहुंचेंगी। अंत में जब वो उस आदमी के घर पहुंची और उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा, घर के अंदर चारों तरफ बहुत ही गंदगी फैली थी और वहां बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। लुआ तुरंत ही भागकर वापस अब्दुल बहा के पास आ गई और मास्टर से कहा, आपको पता नहीं है कि आपने मुझे कितनी गंदी जगह भेजा था। मैं लगभग बेहोश हो गई और मैं वहां से वापस चली आई इससे पहले कि मुझको कोई बीमारी लग जाए। अब्दुल बहा ने लुआ की तरफ बहुत दुख से देखा और पूछा कि क्या तुम ईश्वर की सेवा करना चाहती हो? अगर हाँ तो उस आदमी की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने लुआ से कहा, उस घर में वापस जाओ। अगर घर गंदा है तो उसे साफ करो। अगर वो आदमी गंदा है तो उसे नहलाओ। यदि वो व्यक्ति भूखा है तो उसके खाने का इंतजाम करो और तब तक वापस मत आना जब तक कि तुमने ये सब काम ना कर लिया हो। अब्दुल बहा ने कहा कि उस आदमी के लिए वह यह काम कई बार कर चुके हैं। क्या लुआ इस काम को एक बार भी नहीं कर सकती? इस तरह अब्दुल बहा ने लुआ को उस आदमी की सेवा करना सिखाया।